क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स ने जयपुर में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत मिली, मगर चेन्नई की जीत से ठीक पहले जबरदस्त ड्रामा या कहें कि महाहंगामा हुआ, क्योंकि पहली बार महेंद्र सिंह धोनी भी डगआउट से मैदान में लड़ने पहुंच गए, क्योंकि यहां अंपायर ने बड़ी धोखेबाजी की थी। तो अंत में आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, आप कमेंट जरूर करें। तो 20वां ओवर राजस्थान के लिए बिन स्टोक्स कर रहे थे। स्टोक्स की आखिरी 3 बॉल पर 8 रन की जरूरत थी और चौथी बॉल बिन स्टोक्स ने फुल टॉस डाली। अब इस बॉल पर सेंटनर ने शॉट मारकर 2 रन तो ले लिए, लेकिन ये बॉल कमर से ऊपर थी। जी हाँ, बॉल डायरेक्ट कमर से ऊपर थी और मेन अंपायर ने स्क्वायर लेग अंपायर से पूछा भी क्या ये नो बॉल है, मगर स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल देने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, रविंद्र जडेजा भड़क गए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि सेंटनर ने कमर के ऊपर की बॉल पर शॉट मारा है और जडेजा दोनों अंपायरों से इसे फिर से देखने को कहने लगे। महेंद्र सिंह धोनी इससे पहली बॉल पर ही आउट हुए थे और धोनी भी इसे लेकर बेहद गुस्सा हो गए। महेंद्र सिंह धोनी इतने गुस्से में कभी नहीं दिखे। धोनी डगआउट से बाहर मैदान में लड़ने आ गए। धोनी पिच की तरफ चले गए और धोनी इस दौरान बेहद गुस्से में थे, यहां तक कि धोनी को पहली बार मैदान में चिल्लाते हुए भी देखा गया। महेंद्र सिंह धोनी अंपायर से अपना काम अच्छी तरह करने को कहने लगे और मैदान में हंगामा हो गया। काफी देर तक खेल रुका रहा। धोनी का ऐसा अवतार किसी ने आज तक नहीं देखा था। हालांकि अंपायर ने धोनी की बात नहीं मानी और इसे नो बॉल नहीं दिया, मगर धोनी का गुस्सा सबने देखा, क्योंकि कूल धोनी इतने गुस्से में कभी नहीं होते। हालांकि चेन्नई बाद में मैच जीत गया, लेकिन यहां पर जबरदस्त हंगामा हो गया। तो इस पूरे महाहंगामे का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।